हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास सिक्स मैथमेटिक्स अरेश अग्रवाल चैप्टर टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. इट इज़ एक्सरसाइज टू बी क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव टू चेक द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट दैट टेस्ट इन आवर CW कॉपी. द टेस्ट इज टेक द अल्टरनेट सम ऑफ द डिजिट्स एंड चेक इफ दैट इज डिविजिबल बाय 11. Then the given number is divisible by 11. It is theory of the test. Now I will explain the test by an example. Question number 10. First, the first question is 4, 3, 3, 4. In this question, we have to check the test of divisibility by 11. So, the first line is take the alternate sum of the digits. यहाँ पे हमें alternate sum digits का find करना है. Alternate sum इस तरह से find करते हैं. First number सब्ट्रैक्ट सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट नेक्स्ट नंबर. मतलब हमें पहले नंबर में से जो उसके पास वाला नंबर है उसको माइनस करना है, फिर प्लस साइन लगाना है, फिर अगले नंबर में से उसके पास वाला प्लस कर माइनस करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर अगले नंबर में से उसके पास वाले को माइनस करना है, फिर प्लस लगाना है. ये प्रोसेस चलती रहेगी जितने डिजिट्स हैं उतनी. अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देखिए 4 - 3 1 हियर प्लस 3 - 4. इट इज़ अ रूल, आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा. प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, और आंसर में बिग डिजिट का साइन लगाना है. यहाँ 3 और 4 में बिग डिजिट है 4, और 4 का साइन माइनस है, इसीलिए यहाँ पर 1 का साइन भी क्या लगेगा, माइनस. ओके, तो इस तरह से हमने लिखा 1 - 4 - 3 1 एंड 3 - 4 - 1. और जब आप 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिल रहा है 0. अब ऑब्वियसली हम जानते हैं 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा. अगर हम 11 से भी 0 को डिवाइड करेंगे तो 11 जीरोज़ आर 0 करके हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 0 इज़ डिविजिबल बाय 11, है ना. क्वेश्चन में जो टेस्ट है उसमें भी हमें बोला था कि अल्टरनेट सम फाइंड कीजिए एंड चेक इफ़ दैट अल्टरनेट सम इज़ डिविजिबल बाय 11, देन द होल नंबर इज़ गिवन डिविजिबल बाय 11. ये जो अल्टरनेट सम आया है, अगर ये डिविजिबल है 11 से, तो जो क्वेश्चन है 4, 3, 3, 4, ये भी डिविजिबल होगा 11 से. हम आंसर इस तरह से लिखेंगे 0 इज़ डिविजिबल बाय 11, सो 4, 3, 3, 4 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. आपको और अच्छे से ये टेस्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है. इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. द क्वेश्चन इज 8, 3, 7, 2, 1. अल्टरनेट सम फाइंड करते हैं 8 - 3 + 7 - 2 + लास्ट में जो डिजिट अगर सिंगल बचता है तो आप उसको सिंगल लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम. 8 - 3 - 5 + 7 - 2 - 5 + 1 as it is down. नेक्स्ट स्टेप इस तरह से होगी 5 + 5 - 10 और 10 + 1 - 11. अब हमें चेक करना है क्या 11 से डिविजिबल है. क्लियरली आप देख सकते हैं 11 से जब 11 को डिवाइड करेंगे 11 - 11 ये डिविजिबल होगा. तो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे कि ये जो अल्टरनेट सम है 11, इट इज़ 11 इज़ डिविजिबल बाय 11, सो 8, 3, 7, 2, 1 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं. अगर अल्टरनेट सम में कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप आंसर लिखेंगे दिस नंबर इज़ नॉट, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाना है, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. अल्टरनेट सम में भी यहाँ पे लिखना ये अल्टरनेट सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो दिस नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11. ये मैं आपको नॉट वाली कंडीशन बता रही हूँ. अभी मैंने जो दोनों क्वेश्चन किए ये यस वाली कंडीशन में थे. मैंने एक ज़ीरो का क्वेश्चन इसलिए ले लिया ताकि ज़ीरो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अब ज़ीरो आ गया ये 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसलिए मैंने एक ज़ीरो का क्वेश्चन लिया, एक नॉर्मल का क्वेश्चन लिया. नॉट वाले क्वेश्चन अभी मैंने नहीं ले पाई हूँ इसमें, बट नॉट का आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ. यहाँ पे आपको अल्टरनेट सम जो भी आए अगर वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप लिख दीजिएगा कि दैट अल्टरनेट सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो द क्वेश्चन में जो भी नंबर है इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद पहले आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 लिखिएगा.
क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है ये आप अपने CW में एज इट इज सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व करने हैं। 6631 1372 69 901351 879 0322, इन सब के अल्टरनेट सम फाइंड कीजिए और चेक कीजिए वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 11 से डिविजिबल है अल्टरनेट सम तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होंगे, और अगर इनका अल्टरनेट सम 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होंगे। होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट करके इनका फोटोग्राफ क्लिक करना और मुझे ग्रुप पर सेंड करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।